हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सभी दोस्तों को नमस्कार, सुप्रभात। तो आज सबसे पहले गुड न्यूज़ मैं अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आया हूँ सुबह सुबह, क्योंकि कल दोस्तों अपडेट आ गया था UKSSC का। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है, UKSSC द्वारा परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कौन सी परीक्षा कब होगी और फिजिकल कब होगा सब जारी कर दिया गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत शानदार गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप बहुत परेशान थे, मैं समझ सकता हूँ कि कब आएगी, कब फिजिकल होगा, कब भर्ती होगी, कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब रिटर्न होगा। जो भी है, जितने भी परीक्षाएं हैं ना, जितने भी लोग आप अलग अलग भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आज सभी का 5000 भर्तियों का आ रखा है परीक्षा कैलेंडर। 5000 भर्तियाँ आएगा दोस्तों आपके लिए। दोस्तों आज बहुत ही शानदार जानकारी देने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया था मेरा, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत शेयर किया, लेकिन आज उससे दुगना चौगुना शेयर करेंगे आप, ये मुझे विश्वास है आप पर। मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी भर्ती का फिजिकल कब होगा और रिटर्न कब होगा, और आप तैयारी में लग जाइए। काफ़ी समय है आपके पास टाइम फिजिकल की तैयारी करने के लिए, रिटर्न की तैयारी करने के लिए बहुत समय है आपके पास। कल आपको बहुत चिंता हो रही थी, आज बुधवार का दिन है। कल मैंने जो मंगल को आपको ब्लॉग दिया था, उसमें आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, टाला मटोली कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, जो न्यूज़ हमारे पास आएगी मैं वही न्यूज़ आपको दे सकता हूँ। तो कल शाम 7:30 बजे गुड न्यूज़ आ चुकी है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको भर्तियों के परीक्षा कैलेंडर के बारे में। आप लोगों की जो माथे पे चिंता की लकीरें थी ना कहीं अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि परीक्षा कब होगी, फिजिकल कब होगा, सब दे दिया गया है। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ये पूरा कैलेंडर है, इसको आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें कुल 17 विभाग हैं। 17 विभाग में है, सबसे पहले है होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा। नंबर 2 है विभिन्न विभाग, जिसमें कर्मशाला अनुदेशक, ITI हरता के पद हैं, और फिर है उसके बाद वाहन चालक हैं, संस्कृति विभाग है और पुलिस विभाग है। पुलिस विभाग में दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप पुलिस के लिए उत्साहित हैं, मैं आपको बता दूं, पुलिस विभाग पुलिस आरक्षी 2000 पद हैं, और इसमें 1 फरवरी 2025 से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होगी। 1 फरवरी 2025, अब आप समझ सकते हैं ये सितम्बर चल रहा है, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, जनवरी, पूरे 4 महीने का समय आपके पास फिजिकल की तैयारी करने के लिए है। 4 महीने बहुत होते हैं दोस्तों, कम नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जो तैयारी करने वाले होते हैं ना, उनके लिए 2 ही महीने बहुत हैं। UKSSC ने जहाँ तक है बहुत अच्छा काम किया है, युवाओं को बहुत सारा टाइम दिया है कि युवा अपनी अपनी फिजिकल की तैयारी जल्दी ही कर लें। 4 महीने का समय आपके लिए पूरा फिजिकल का है, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, जनवरी, 4.5 महीने का है। 4 महीने वो हैं, 15 दिन इस महीने के लगभग बचे हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों आपकी जो लिखित परीक्षा की संभावित तिथि है ना, उसके लिए भी आपको बहुत समय दिया गया है। फरवरी से आपका फिजिकल होंगे, और फिजिकल चलेंगे मार्च, अप्रैल जब भी चलेंगे, और 15 जून को आपकी लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 15 जून को लिखित परीक्षा की आपको होगी, संशोधित अगर होगा, कुछ दिक्कतें होगी तो आयोग इसको कुछ आगे पीछे खिसका सकता है, आगे तो नहीं होगी, पीछे ही होगी जहाँ तक है। और 15 जून है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, आप तैयारी कर लीजिए, आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। और आप सभी अपना जोर लगा करके, मेहनत करके, बिल्कुल ईमानदारी के साथ लग जाइए तैयारी में, इस बार निकलना ही निकलना है। 2025 आपके लिए बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ लेकर के आने वाला है दोस्तों। पुलिस के अलावा कई विभाग ऐसे हैं जहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपकी एज नहीं है और आपके जो शारीरिक दक्षता के मानक होते हैं, जो शारीरिक नापजोक के मानक होते हैं, अगर उसमें आप पूर्ण नहीं बैठते हैं तो आपके लिए उसके अलावा भी कई विभाग हैं। जनजाति कल्याण विभाग है, प्राथमिक शिक्षक के पद हैं, सहकारिता विभाग हैं, सहायक विकास अधिकारी हैं, और लाइब्रेरी साइंस वाले पद हैं, वन दरोगा, इंटरमीडिएट विज्ञान अर्हता के पद हैं। जो दोस्तों वन दरोगा के 200 पद हैं, और इसका एग्ज़ाम होगा 20 अप्रैल 2025 को, 20 अप्रैल 2025 को इसके रिटर्न की डेट दी गई है। बंदरोगा इंटरमीडिएट विज्ञान अर्हता के पद हैं, आप सुन सकते हैं, नोट कर लीजिए आप। और स्नातक अर्हता के पद हैं, जो स्नातक स्तरीय हैं उसमें है दोस्तों 30 पद हैं, 25 मई को इसका एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा दोस्तों सहायक लेखाकार के 26 पद हैं,
6 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। बनारसी 600 पद हैं जो आपको मैं बताते आया हूँ, 600 पद बनारसी के हैं। इसमें एग्ज़ाम होगा 3 अगस्त 2025 को। वाहन चालक के 21 पद हैं, इसका एग्ज़ाम होगा 24 अगस्त को। विशेष तकनीकी अर्हता के पद हैं, इसमें 60 पद हैं दोस्तों। 1 से 10 सितंबर 2025 तक परीक्षा होगी, मतलब 1 से 10 सितंबर के मध्य कभी भी हो सकती है। कुल मिलाकर के 17 विभाग हैं, उसमें से पुलिस भी है, वन विभाग भी है। 17 विभागों में टोटल 5000 के लगभग पद हैं। आपके लिए बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ लेकर के मैं सुबह सुबह आज आया हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं था दोस्तों। लेकिन कल जैसे ही गुड न्यूज़ आई तो मैं उत्साहित हो गया था आपको बताने के लिए, क्योंकि आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत परेशान हैं। आप सोच रहे थे कि भर्ती नहीं आएगी, कोई कल कमेंट कर रहा था कि चुनाव से पहले नहीं आने वाली है, कोई कह रहा है खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैंने सोचा कि यार आज लड़कों के भाइयों के जो दिक्कतें हैं दूर कर दी जाए। सुबह सुबह आपके लिए बुधवार का दिन है, गुड न्यूज़ लेकर के आ गया हूँ। आप के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। फिजिकल की तैयारी कराने के लिए, रिटर्न की तैयारी कराने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस आज से हमारा कारोबार शुरू हो जाता है। अब आप ये मत सोचें कि कब आएगी। देखिए समय दे दिया गया है, 1 फरवरी 2025 से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा और 15 जून 2025 को आपका रिटर्न होने वाला है। उससे पहले 1 फरवरी 2025 से पहले आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब ये है विज्ञप्ति आपकी आ जाएगी। कम से कम 1.5 से 2 महीने फॉर्म भरने में लगेंगे, उसके बाद छटनी होगी, जो सब कुछ होगा, उसके बाद 1 फरवरी से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक है कि सितंबर लास्ट विज्ञप्ति, पुलिस आरक्षी की विज्ञप्ति जो है आ जाएगी। तो आपको समय दे दिया है ना, इतने तारीख से ये होगा, इतने तारीख से ये होगा, समय दे दिया है। अब वो उनका काम है कि वो विज्ञप्ति कब जारी करें, अपने लिए वो कितना समय रखे, क्योंकि 1 फरवरी से अगर फिजिकल स्टार्ट होंगे तो कम से कम 2 से 3 महीने पहले उनको विज्ञप्ति निकालनी पड़ेगी, फॉर्म भरने पड़ेंगे, फिर फॉर्म की छटनी करनी पड़ेगी, चेक करने पड़ेंगे। तो ये काम उनका है, आप तैयार हो जाइए, फिजिकल की तैयारी करने लग जाइए। कल भाई साहब कह रहे थे कि मेरा 70 से 75 का फिजिकल है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं होने है, 70-75 का फिजिकल में क्या कर लेंगे आप, आपका फिजिकल 90 से अबव होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। और एक भाई साहब कह रहे थे दिल्ली में रहता हूँ सर, मैं जॉब भी करता हूँ, 12 घंटे की जॉब है, तो मैं पढ़ाई का समय मुझे नहीं निकल पाता है, मैं कैसे निकालूं। दोस्तों पढ़ाई का समय आपको निकालना पड़ेगा। आप 12 घंटे की जॉब करते हैं लेकिन 8 घंटा पढ़ाई भी करें, सोएँ कम, घूमें कम, दिल्ली में हैं आप, घूमते रहते होंगे, घूमने भी जाते होंगे, मार्केट जाते होंगे, तो मन हर किसी का करता है वहाँ पे। लेकिन आपको दिन को जॉब करना है 12 घंटे और शाम को आपको 6 से 7 घंटे कम से कम पढ़ना भी है, फिजिकल की तैयारी भी करनी है। आप ये मत सोचें कि मैं जॉब करता हूँ तो मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये नहीं। अगर आपको सरकारी जॉब में आने के इच्छुक हैं तो आपको कहीं ना कहीं समय उसके लिए निकालना ही पड़ेगा। कौन से विभाग में कितने पद हैं, आप सिर्फ पुलिस विभाग को मत देखें, और विभाग भी हैं दोस्तों, और विभागों को भी देखें। बंदरगाह है 200 पद हैं, बनारसी के 600 पद हैं, आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, रिटर्न की तैयारी आप करते रहिए। बुक्स मैंने आपको दे दिए हैं, आपको कैसे कैसे पढ़ना है मैंने वो भी बता दिया है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बता दें, वो भी आपको मिल जाएगा। आपको ये पूछना बंद हो जाएगा कि सर भर्ती कब आ रही है, विज्ञप्ति कब आ रही है, विज्ञप्ति कब आ रही है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि विज्ञप्ति आ जाएगी जल्दी ही। मैं आपको जैसे ही आएगी ना लेटेस्ट तुरंत आपको ब्लॉग दे दूंगा उसका। और बाकी आप तैयारी करते रहें, फिजिकल की तैयारी करते रहें, और हार मान मत होइए, जोश रखें, जुनून रखें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। कॉन्फिडेंस आप रखेंगे ना, आप 15 फीट कूदने वाले होंगे ना, आप 17 कूद जाएंगे, ठीक है। और कैसे कैसे करना है, फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है और कौन सा इवेंट कैसे करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज ही देने वाला था मैं, लेकिन आज ये अपडेट आ गया था, इसलिए मैं आपको आज ये वाला ब्लॉग दे रहा हूँ। शायद हो सके 1-2 दिन में आपके लिए फिजिकल स्टार्ट कर दूंगा मैं, कैसे कैसे करना है करके। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें। कल आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था मेरा, आशा करता हूँ इस ब्लॉग को भी इतना ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना दोस्तों, तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए कुछ कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए मुझे भी। अब मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, सभी के लिए शुभकामनाएँ और तैयारी शुरू कर दें आज से। जो जिन्होंने पहले से शुरू कर रखी है बहुत अच्छी बात है, अभी से शुरू कर दें फिजिकल रिटर्न की तैयारी, लग जाइए, बस आपके लिए खुशी के द्वार 2025 लेकर के आने वाला है।